श्री गणेशाय नमः। ओम सर्व मंगल मांगल्ये सवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तों, आपके लिए माघ स्नान का पर्व मंगल में हो, शांति में हो, आनंद में हो, आपके जीवन में खुशी समृद्धि सदैव बनी रहे, ऐसी हम आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं। जनप्रवाद के माध्यम से मैं पंडित कृष्ण बलराम शास्त्री आपको बताने वाला हूँ क्या है माघ स्नान का महत्व। प्रिय भक्तों, इच्छाओं को पूरा करने के लिए माघ पुण्य स्नान का समय 10 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। शास्त्रों एवं प्राणों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक माघ मास में पवित्र नदी नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सहित अन्य जीवनदायिनी नदियों में स्नान करने से मनुष्यों के सभी पाप छूट जाते हैं, उसे छुटकारा मिल जाता है। प्रिय भक्तों, महाभारत में उल्लेख है कि महाभारत काल में एक दृष्टांत में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इन दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया कि अन्य मास में जप तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। प्रिय भक्तों, यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ मास का पुण्य स्नान को बताया गया है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। प्रिय भक्तों, भले पूरे महा स्नान के योग ना बन सके लेकिन एक दिन के स्नान से स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बना जा सकता है। इस बात का उदाहरण इस श्लोक से मिलता है। मास पर्यंत स्नाना शंभेतु त्रयम् मेकाः वा स्नायात्। अर्थात जो लोग लंबे समय तक स्वर्ग लोक का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें महामास के सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए। प्रिय भक्तों, क्या है दान का विशेष महत्व? माघ मास में दान का विशेष महत्व है। दान में तिल, गुड़ और कम्बल का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण का कथन है कि माघ मास में पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मणों को दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, हम आपको अन्य त्योहारों की जानकारी आने वाले वीडियो में देते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनप्रवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।